गडरवारा में एक ही रुद्र खेल ग्राउंड मैदान है। खेल ग्राउंड की दुर्दशा हो चुकी है, खेलने वाले खिलाड़ी ही दयनीय स्थिति को बता सकते हैं। रात के समय रुद्र खेल ग्राउंड मैदान शराब पीने वालों का अड्डा बन जाता है। शराब पीकर कांच की बोतल टूटी और कचरा उसी खेल ग्राउंड पर छोड़ दिया जाता है। खेल ग्राउंड मैदान पर सैनिक की तैयारी और पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए अनेक युवाओं और बच्चियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने आप बीती चैनल के माध्यम से बताया। खेल ग्राउंड पर मध्य प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की गडरवारा NTPC के महाप्रबंधक प्रदीप मिश्रा से जब बात हुई, उन्होंने कहा बहुत जल्द रुद्र खेल ग्राउंड मैदान के लिए आपको खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों को किस तारीख को ये खुशखबरी मिलेगी मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। चैनल के माध्यम से अनेकों बार मिनी स्टेडियम बनाने के लिए खबर लगातार दिखाई गई। नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भी भरोसा दिलाया था रुद्र खेल ग्राउंड मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम के समापन के लिए जब वो पहुंचे थे। मिनी स्टेडियम बहुत जल्द बनने की बात कही गई। मैं संजय गुप्ता गडरवारा रुद्र खेल ग्राउंड मैदान पर हूँ इस समय। मैं आपको, मेरे साथ कुछ खिलाड़ी लोग हैं जो गडरवारा खेल ग्राउंड मैदान पर डेली उनकी प्रैक्टिस होती है। मैं जानना चाहूँगा कि इस जो खेल ग्राउंड मैदान है, क्या आपके हिसाब से वो अभी सही है क्या? जो खेल ग्राउंड मैदान पर आप जो प्रैक्टिस करते हैं, देख रहे हैं ये खेल ग्राउंड मैदान कैसा है, क्या इसकी हालत सही है? जी अभी देखा जाए तो एक गडरवारा में एक ही खेल मैदान है, जिस रुद्र मैदान जो है, इसमें आर्मी की तैयारी से लेकर पुलिस की तैयारी से लेकर एथलेटिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, सब लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बट दिक्कत यह है कि ये जो ग्राउंड है वो सही तरीके से बनाया नहीं गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। जैसा कि अभी हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं तो क्या होता है, जब रनिंग करते हैं तो बीच में कई प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नशा करने भी लोग यहीं पर आते हैं, और जैसे किसी को गाड़ी सीखना है वो भी यहीं पर आएगा, तो कई प्रकार की समस्याओं के सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं कि अच्छा मिनी स्टेडियम बने, अच्छी व्यवस्थाएं होता हो? ये हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राउंड का जो गेट है, अभी जैसे हम ही लोगों ने, भाई हमारे भाई साहब के साथ में रनिंग करते हैं, और बाकी के लोगों ने भी सब गेट बंद किए थे, पर दिक्कत ये है कि कुछ लोग क्या इसको खोल देते हैं अपने असामाजिक। तो यही हम लोग की मांग यही है कि थोड़ा सा ग्राउंड सुधरे और एक छोटा सा मिनी ट्रैक बन जाए ताकि उस पर हम रनिंग कर सकें, क्योंकि कम से कम 40 से 50 लोग जो हैं वो जो आर्मी की तैयारी करते हैं, और मैं जो हूँ एथलेटिक्स करता हूँ, 400 मीटर रनर हूँ, और साथ में 20 से 25 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या? मेरा सुना आकाश कौरव। आप देख रहे थे, आकाश कौरव ने बताया कि यहाँ पर जो लड़के लोग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं वो मध्य प्रदेश में उनके यानी सैनिक में हों चाहे पुलिस में हों, उसकी तैयारी करते हैं, पर निश्चित रूप से क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ एक खिलाड़ी स्पोर्ट के, आप देख रहे हैं कितना पसीना पसीना हो रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? साहिल कौरव। आप यहाँ पर जो कॉलेज खेल ग्राउंड मैदान आप देख रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसमें आपको डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, हर स्पोर्ट के साथ अलग अलग ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे गडरवारा में एक ही ग्राउंड है, उसमें सारे स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है हर खिलाड़ियों को, यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स भी चल रहा है, इसमें एक साथ सबको प्रॉब्लम होती है। नहीं तो जो जैसे यहाँ वॉलीबॉल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, एथलेट चल रहा है, क्या ये खेल ग्राउंड मैदान इन गेम को खेलने के लिए तैयार है क्या? नहीं है, पूरी जगह गड्ढे गड्ढे है, कांच जगह जगह फैले रहते हैं, बॉटल को असामाजिक तत्व बोतल फोड़ जाते हैं, रात में नशा होता है, यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, गेट खोले रहते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, गेट बन रहा है, प्रशासन ध्यान रहे, थोड़ा डेवलप हो, मिनी स्टेडियम बने, ट्रैक बने, और एक ग्राउंड और हो बने। आप देख रहे हैं कि जो साहिल खान जी ने बताया कि यहाँ पर एक पूरा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ पर शराब जो पीते हैं उनको निश्चित रूप से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं चैनल के माध्यम से NTPC प्रबंधक प्रदीप मिश्रा जी से आश्वासन चाहूँगा, उन्होंने कहा भी है कि बहुत जल्दी राशि स्वीकृत होने वाली है, मैं चाहूँगा जल्द से जल्द इस गडरवारा के खिलाड़ियों को इंतजार जल्दी ख़त्म किया जाए और यह एक मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो। भूमिका कुशवाहा है गडरवारा रुद्र खेल ग्राउंड मैदान में, तो इसमें आप काय की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस संबंध में? मैं एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, रनिंग की। यहाँ पे ग्राउंड बहुत ही ख़राब है, खास करके लड़कियाँ लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती, यहाँ लाइट की भी बहुत कमी है, और यहाँ पे लोग मतलब फालतू आते हैं, नशा भी करते हैं, बॉटल भी डाल देते हैं, और लड़कियों के लिए बिल्कुल भी लड़कियाँ लोग नहीं कर पाती हैं। और
क्या चाहती हैं आप प्रशासन से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि कैसा ये ग्राउंड बनना चाहिए? ये ग्राउंड ऐसा बने ताकि लड़की लोग भी कर सके। यहाँ पे फालतू लोग आते हैं, मतलब नशा करते हैं, और इतनी ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है, मतलब लाइट नहीं है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और रात में भी यहाँ फालतू लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, तो लड़कियाँ लोग नहीं कर पाती हैं। इन सब के कारण लड़के लोग नहीं कर पाते प्रैक्टिस। थैंक यू सर। खेल ग्राउंड मैदान तो खिलाड़ी लोगों के लिए शुरुआत यानी खुशी की लहर थी सर, खेल ग्राउंड मैदान के लिए भी, स्टेडियम के लिए भी राशि स्वीकृत की? इसके लिए खुशखबरी बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिलेगी। मैं डेट तो अभी नहीं बताऊंगा, बट बहुत एडवांस स्टेज में है, बहुत ही जल्दी आपको इसकी खुशखबरी भी मिल जाएगी। मैं इस समय गाडरवारा नगर के रुद्र खेल ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ। इस रुद्र खेल ग्राउंड मैदान में लगभग मध्य प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। नाइट वॉल टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता भी बहुत बड़े स्तर पर होती है। ऐसे गाडरवारा नगर में खेल प्रेमी हैं, आसपास के खेल प्रेमी खिलाड़ी लोग इस रुद्र खेल ग्राउंड मैदान में खेलने के लिए आए हैं। इसकी आवाज़ हमने चैनल के माध्यम से कई बार उठाई कि इस कॉलेज खेल ग्राउंड को एक छोटा सा मिनी स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि देखा जाता है जब कॉलेज खेल ग्राउंड मैदान रात में खुला रहता है तो यह खेल ग्राउंड नहीं, यह मैखाना बन जाता है। निश्चित रूप से यहाँ खिलाड़ी लोग बहुत खेलने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, घास भी नहीं है, ना रख रखाव है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। एक बार जब सांसद जी से बोला गया, उन्होंने कहा बहुत जल्दी खेल स्टेडियम बनेगा, क्योंकि NTPC के द्वारा प्रदीप मिश्रा जी से, प्रबंधक जी से मेरे इस संबंध में कई बार बात हुई, कई बार हमने न्यूज़ चैनलों में खबर चलाई, उन्होंने कहा बहुत जल्दी ही खेल स्टेडियम के लिए पैसा आने वाला है, एक भव्य मिनी स्टेडियम तैयार होगा। चूँकि निश्चित रूप से कॉलेज खेल ग्राउंड मैदान में एक मिनी स्टेडियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा खेल मैदान मिले, जैसे कि यहाँ के खिलाड़ी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी प्रतिभा को एक मौका मिलेगा। मैं नगर की जनता से चाहूँगा कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं और कॉलेज का जो रुद्र खेल ग्राउंड मैदान है एक मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।